नगर पुलिस थाने की हद में एक मामला सामने आया है, जहां पर 14 मई को ट्रक का पिछला हिस्सा लगने से फिरियादी का एक साथी जख्मी हो गया था। अब अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 और 279 के तहत मामला दर्ज किया है। जो पीली नदी चौक है, वहां पर एक बड़ी दुर्घटना हुई, ऐसी इन्फॉर्मेशन फिरियादी ने जैसे बताया, उसके बारे में कपिल नगर पुलिस स्टेशन में 14/9/2023 को एक गुना दाखिल हुआ। उसमें जो फिरियादी और उसमें जो मयत है, वो कामठी से ऑटोमेटिक चौक की तरफ जा रहे थे, और जो एक अज्ञात ट्रक था वो मांजरी से पीलिंदी चौक से कामठी की ओर जा रहा था, टिप्पर जा रहा था। तब उसका जो पिछले वाला घसाटा है उसको लगा, जो पीछे बैठा था, तब वहां पे उनकी नोकझोंक हुई। जो गाड़ी में पीछे टू व्हीलर में पीछे जो बैठा था उसका और ट्रक के जो ड्राइवर और जो हेल्पर था उससे बात बात नहीं हुआ, तो जो पीछे गाड़ी में जो बैठा था टू व्हीलर मोटरसाइकिल पे, उसने उनसे बेल्ट से मारने की कोशिश किया। तब जो वहाँ ड्राइवर था, वो जो टिप्पर का ड्राइवर था, वो ट्रक भगाया और उसको कोनी से उस जो ऊपर चढ़ के उसको मार रहा था वो कोनी से उसको मारा, तो वो ट्रक के नीचे आ गया और वहां पे वो वहां पे जख्मी होकर उसको जो मियो हॉस्पिटल है नागपुर में वहां पे वो मृत हो गया। ऐसी फिरियाद के दाखिल थी। तब दाखिल होने के बाद में जब तहकीकात चली, गुना दाखिल हुआ, अज्ञात ट्रक के जो ड्राइवर था उसके ऊपर 304 आईपीसी की धारा 304 और 279 इस कलम के तहत गुना दाखिल हुआ था। उस तहकीकात में हमने वहाँ के जो ट्रक है वो कौन कौन से टिपर ट्रक जो आते हैं उसके बारे में तहकीकात की, सीसीटीवी फुटेज देगा, और जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी उसके तहत हमने खापरखेड़ा का जो है वीरेंद्र प्रेमलाल ठाकरे, वो उसी दिन वो टिपर चला रहा था, और वही उसको हमने 15 सितंबर को 2023 को उसको उस गुने में अरेस्ट किया है। उस गुने की तहकीकात चल रही है। वो आरोपी को माननीय न्यायालय में पड़ोस हाजिर किया, तो माननीय न्यायालय ने उसको 18/9/2023 तक उसका पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया है। पुलिस तहकीकात चल रही है। उस जो तहकीकात में तो हमारे साथ इमरान शेख करके थे पुलिस हवलदार, वैभव करके है, और सुरेश वरुड़कर, पुलिस कांस्टेबल सुरेश वरुड़कर, ये हमारे साथ तहकीकात कर रही है।